नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक ड्रीम स्टोर के एक और नए वीडियो में। आज के अमेजिंगली ब्यूटीफुल मशीन आप यहाँ पर अपने सामने रखी हुई देख सकते हैं। ये जो मशीन है ये हमारे एक न्यू दिल्ली बेस्ड कस्टमर ने ही बनाई है और इसकी प्राइसिंग की बात कर ले ऑलमोस्ट 1,30,000 से लेकर 1,35,000 रुपीज के बीच में रहने वाली है। करंट प्राइसिंग को जानने के लिए नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, कॉल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी आप कंफर्टेबल है आप हमारी सेल्स टीम के साथ में टच में आ सकते हैं। हमारा जो रिटेल आउटलेट है जो कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये सिचुएटेड है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। आप ऑफलाइन आकर भी अपने कोटेशन को पा सकते हैं, अपना पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी ऑनलाइन वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं www.techdreams.co.in, वहां पर जाकर भी आप अपने लिए कुछ प्रीबिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस में से चूज कर सकते हैं अपने लिए परफेक्ट पीसी। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स की जो कि हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड में यूज किया। स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रोसेसर, यहां पर यूज्ड है इंटेल का कोर i7-13700K प्रोसेसर। आज की डेट में आप एक हाई एंड प्रोसेसर ढूंढ रहे हैं जिस पर आपको मल्टी कोर वर्कलोड डालना है, कोई भी ऐसी चीज करनी है जो कि मल्टीपल कोर्स का भरपूर बेनिफिट उठाती है, बेस्ट चॉइस इसके साथ में आप जा सकते हैं। 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, किसी भी तरह का स्टॉक कूलर यहां पर नहीं मिलता आपको क्योंकि ऑब्वियसली के सेगमेंट का प्रोसेसर है। एंड इसको कूल ऑफ करने के लिए भी आपको एक अच्छा आफ्टर मार्केट कूलर चाहिए क्योंकि दिस इज अ हॉट रनिंग प्रोसेसर। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वी हैव यूज्ड द डीप कूल LS720SC AIO लिक्विड कूलर, 360 mm का अमेजिंग AIO लिक्विड कूलर है। लगा हुआ भी देख सकते हैं, ये इन्फिनिटी मिरर डिजाइन आपको मिल जाता है, 3 आपको ARGB फैंस मिल जाते हैं और बहुत ही कमाल का इसका परफॉर्मेंस है। इस प्रोसेसर के साथ में 100% लोड सिनेबेंच टेस्टिंग की अगर मैं आपको रिजल्ट्स बताऊं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 77 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि इस प्रोसेसर के हिसाब से बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में किसी तरह की कोई कटौती नहीं है। वी हैव यूज्ड द ASUS ROG Strix Z790F गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। तो अगर आप एक Z790 मदरबोर्ड ढूंढ रहे हैं जो कि ऑन द हायर साइड रहे जिसमें किसी तरह की कोई कमी सेक्रीफाइस ना हो, सो ये है बिना कटौती वाला Z790 मदरबोर्ड। आप देख भी जा सकते हैं लगा हुआ कितना अमेजिंग लग रहा है एंड इस बिल्ड को पूरा प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड इस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी करना होगा तो कूलर भी आपने अच्छा लगा रखा है, हमने मदरबोर्ड भी अच्छा लगा रखा है, आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं इसको। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिस्टम मेमोरी यानी कि रैम, तो यहां पर हमने एक ही मॉड्यूल यूज किया, 16 GB की XPG लैमसर RGB मेमोरी है 6000 MHz की फ्रीक्वेंसी के साथ में आती है। जो कस्टमर है वो फिलहाल के लिए 16 GB ही ऐड करना चाहते थे सिंगल मॉड्यूल एंड फ्यूचर में वो एक और 16 GB मॉड्यूल ऐड करेंगे जो कि सेम रहेगा बिल्कुल, ताकि उनकी रैम जो है 32 GB हो जाए। फिलहाल के लिए एक सिंगल 16 GB का मॉड्यूल हम लोगों ने यूज किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्राफिक्स कार्ड, तो ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर जो है यूज्ड है NVIDIA का GeForce RTX 3070 Ti एंड दिस इज अ फाउंडर्स एडिशन एंड ये कस्टमर का खुद का कार्ड है। तो इस बिल्ड में जो प्राइसिंग है वो कार्ड की प्राइसिंग को इंक्लूड नहीं करती है, ये कार्ड की प्राइसिंग के बिना, क्योंकि जो कस्टमर है वो खुद अपना ग्राफिक्स कार्ड लेकर आए थे और बाकी कंपोनेंट्स उन्होंने हम लोगों से परचेस किए हैं, तो जो बिल्ड की कॉस्ट है वो विदाउट ग्राफिक्स कार्ड है। तो आप भी अगर आपके पास अपना ग्राफिक्स कार्ड है, आप चाहते हैं, आपको लोग डिनाई कर रहे हैं कि नहीं अगर सब कुछ हमसे लेंगे तभी हम बिल्ड बनाएंगे, तो हमारे पास में ये फैसिलिटी भी है, आप अपना कार्ड ला सकते हैं, अपना कोई भी एक पीस ऑफ हार्डवेयर ला सकते हैं, हम आपका बिल्ड जो है बना देंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज, तो स्टोरेज में भी किसी तरह की कोई कटौती नहीं है। वी हैव यूज्ड अ सैमसंग 980 Pro Gen 4 NVMe SSD, 1 TB की Gen 4 NVMe SSD है, ब्लेजिंग फास्ट रीड एंड राइट स्पीड्स मिलती है। इसी को भी हम लोगों ने लगा रखा है सिस्टम में, 1 TB की Gen 4 NVMe स्टोरेज है। फ्यूचर में आपके पास इनफ एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, आप और SSDs को भी ऐड कर सकते हैं। नाउ कमिंग ओवर टू द पावर सप्लाई, तो क्योंकि इतने हाई एंड सेट ऑफ कंपोनेंट्स हम लोगों ने यूज किए हैं, प्रोसेसर अच्छा है, मदरबोर्ड अच्छा है, कूलर भी हम लोगों ने आफ्टर मार्केट लगाया है, ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा है, तो पावर सप्लाई पर कभी चीप आउट मत कीजिए। तो वी हैव यूज्ड द कूलर मास्टर MWE 750 Gold, V2 वर्जन वाला पावर सप्लाई है, फुली मॉड्यूलर सप्लाई है, 750 वॉट का 80+ Gold सर्टिफिकेशन के साथ में आने वाला पावर सप्लाई, अमेजिंग क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं जो कि इस पीसी बिल्ड को इजीली 100% लोड पर हैंडल कर लेंगे। कमिंग ओवर टू द केस, तो ये केस आपको कमी बिकता हुआ दिखेगा क्योंकि बहुत समझदार लोग ही इस केस को लेते हैं, आधे से ज्यादा लोग इस रेंज में जब जाते हैं, सो दे चूज द Li-Ang-Li O11 डायनेमिक व्हिच इज अ वेरी गुड एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग लुकिंग केस, बट दिस इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल केस, मतलब जिसको प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए अपने पीसी बिल्ड में, वही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड दिस इज अ सुपर सॉलिड इन्वेस्टमेंट। ये Li-Ang-Li का LAN-Cool 3 Mesh RGB कैबिनेट देख सकते हैं, इसके ऊपर मुझे इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट केसेस मैन्युफैक्चर टिल डेट ग्लोबली। 3 फ्रंट पर ARGB फैंस मिल रहे हैं जो कि आपको अच्छा खासा एयर फ्लो प्रोवाइड कर देते हैं, फ्रंट पर पूरा मेश है, ऊपर भी मेश है, परफोरेटेड पैनल है एंड पीछे आपको एक 140 mm का जो फैन है वो भी मिल रहा है जो कि नॉन RGB है। तो ये केस जो है इसी को हमने यूज किया इस पीसी बिल्ड को बनाने के लिए। अगेन इस पीसी बिल्ड की जो कॉस्टिंग है एक्सक्लूडिंग द ग्राफिक्स कार्ड, इस बिल्ड की जो कॉस्ट है दैट इज 1,30,000 to 1,35,000। करंट कोटेशन पाने के लिए आपका कोई भी कस्टम पीसी बिल्ड का कोटेशन आप लेना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस, हमारे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं। एंड वीडियो पसंद आई डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के कुछ अमेजिंग पीसी बिल्ड्स आपके सामने आते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।